इंडस्ट्री के नेक्स्ट सीरीज में हम लोग आज देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किसी भी देश के लिए आज के दौर में एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, और यह इंडस्ट्री किसी भी कंट्री में कितना डेवलप्ड है उसी के आधार पर उस कंट्री की इकोनॉमी को मेजर किया जाता है। देखते हैं इंडिया की इकोनॉमी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी में 7% कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली 37 मिलियन एम्प्लॉयमेंट में रोजगार प्रदान करता है। एक्सपोर्ट, भारत में जितना भी ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन होता है उसका 26% जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, यानी 74% इंडिया में कंज्यूम होता है और 26% हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक ये मेजर जो है सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट है, मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया की हम वर्ल्ड रैंकिंग देखते हैं, लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर प्रोड्यूसर, थर्ड लार्जेस्ट पैसेंजर कार प्रोड्यूसर, फोर्थ लार्जेस्ट टोटल ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर। टोटल ऑटोमोबाइल माने उसमें टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, पैसेंजर कार्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स, ये सभी प्रकार की चीजें मिलाकर के, और सेवंथ लार्जेस्ट इन कॉमर्शियल व्हीकल्स, बड़े बड़े ट्रक वगैरह जो होते हैं, बसेस वगैरह जो होते हैं, तो टोटल जो है कॉमर्शियल व्हीकल्स में जो है सेवंथ नंबर पे। तो ये हमारी कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये हमारी वर्ल्ड की पोजीशन, वर्ल्ड में हमारी ये पोजीशन है। यदि हम बात करें कि वर्ष 2018-19 में टोटल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल्स का कितना हुआ, 31 मिलियन ऑटोमोबाइल्स इंक्लूडिंग टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, पैसेंजर कार, गुड्स कार, कॉमर्शियल व्हीकल सभी मिलाकर के 31 मिलियन का प्रोडक्शन हमने किया है वर्ष 2018-19 में। इसमें से डोमेस्टिक सेल माने घरेलू लेवल पर हमने सेल किया है 27 मिलियन और 4 मिलियन हमने एक्सपोर्ट किया है। देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिगनिंग इंडिया में कैसे हुई। तो बिगनिंग इन इंडिया ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली असेंबल वर्क्स वर डन इन इंडिया। आजादी के पहले भारत में कारें बनती नहीं थी, पार्ट्स वगैरह लाकर के, इंजन लाकर के ये सब असेंबल किए जाते थे भारत में। असेंबल करने की दो बड़ी कंपनियां भारत में खुली हुई थी, दोनों अमेरिका की कंपनी थी। पहला जनरल मोटर्स इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1928 में मुंबई में किया गया, ठीक है। ये जो कंपनी है ये डिफरेंट कल पुर्जे बुलवा करके और असेंबल करके यहाँ पर कार और कॉमर्शियल व्हीकल वगैरह बनाती थी। दूसरे नंबर पे फोर्ड मोटर्स इंडिया लिमिटेड, ये भी अमेरिकन कंपनी थी, इसके दो प्लांट थे, एक चेन्नई में 1930 में खुला था और एक मुंबई में 1931 में। ये भी असेंबल वर्क करते थे ये, और यहाँ पर रेडीमेड आइटम जो है वो तैयार आइटम यहाँ पर मिलता था। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स जो है स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर 1947। भारत में आजादी के बाद हम लोग मान सकते हैं ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आजादी के बाद शुरू हुई, और उस समय दो बड़ी कंपनियां थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। पहला प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड जो कि कुर्ला मुंबई के पास 1947 में खोली गई थी, दूसरी थी हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड उत्तर पारा कलकत्ता के पास है, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में 60 से ज्यादा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भारत में काम करती हैं, इंक्लूडिंग टू व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल्स जो है, यूटिलिटी व्हीकल्स, तमाम प्रकार के, तो 60 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर एरिया में हैं। अब हम देखते हैं इंडिया में कॉमर्शियल व्हीकल क्या है। कॉमर्शियल व्हीकल में दो कैटेगरी होती है, गुड्स यानी माल ढोने वाला कॉमर्शियल व्हीकल, और दूसरा पैसेंजर माने बसेस और ट्रक्स, ठीक है। तो गुड्स में आ जाएंगे आपके ट्रक्स, ठीक है, चार पहिए वाले, छह पहिए, आठ पहिए, दस पहिए, बारह पहिए, ठीक है, ये आ जाएंगे उसमें। और पैसेंजर में आपकी आ जाएंगी बसेस, मिनी बस, मेट्रो बस, इस टाइप की जो होती हैं, ये सब तमाम चीजें। कॉमर्शियल व्हीकल में हमारे यहाँ इंडिया में कॉमर्शियल व्हीकल के जो सबसे बड़े लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड। भारत में 60% कमर्शियल व्हीकल अकेले टेल्को कंपनी द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और इसके जो प्रोडक्शन यूनिट है टेल्को की वो भारत में 5 जगह लोकेटेड है, हैदराबाद में, पीथमपुर में, पीथमपुर इंदौर के पास है मध्य प्रदेश में, हैदराबाद तेलंगाना, मुंबई, आरशोन पंजाब में, और सूरजपुर
उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आती है कॉमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी, उसमें है दूसरे नंबर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, मुंबई में इसका एक प्लांट लोकेटेड है। तीसरे नंबर पे अशोक लीलैंड, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, प्लांट है सबसे बड़ा। और चौथे नंबर पे हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कोलकाता हेडक्वार्टर इसका। पांचवें नंबर पे बजाज टेम्पो लिमिटेड, पुणे। बाकी इनकी रीजनल ब्रांचेस और भी कई जगह खुले होते हैं। तो ये पांच बड़ी लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं हमारे यहाँ कॉमर्शियल व्हीकल्स के। अब हम बात करते हैं पैसेंजर कार, ठीक है। तो पैसेंजर कार में डिफरेंट प्रकार की यूटिलिटी व्हीकल्स आती है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ठीक है, SUV, TUV, इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो है पैसेंजर कार्स अवेलेबल है, जिनमें से सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो है मारुति उद्योग लिमिटेड, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। और ये भारत की 35-40% जो पैसेंजर कार्स हम यूज करते हैं भारत में, उसमें से 35-40% कंट्रीब्यूशन अकेले मारुति उद्योग लिमिटेड का है। दूसरे नंबर पे है टाटा मोटर्स, इसके भी अनेक प्रकार के कार आते हैं। और तीसरे नंबर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके बाद फिर कुछ विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करके फोर्ड, निसान, हुंडई, ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है कंपनीज है। बट दीज थ्री आर द मोस्ट लीडिंग जो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। चौथे, अब हम अगली बात देखते हैं लोकेशन फैक्टर। यदि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहीं सेटअप करना है तो हमें किस किस फैक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर वन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आयरन स्टील इंडस्ट्री जहां पर लोकेटेड होती है वहीं पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा लोहे और स्टील का उपयोग किया जाता है, उसकी बॉडी बनाना, चेसिस बनाना, इंजन बनाना, नट बोल्ट बनाना, तमाम चीजें। तो जहां पर ये चीजें होती हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्री जहां पर लोकेटेड है वहीं पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उसके आसपास के क्षेत्रों में ही बनाया जाता है। दूसरी बात, प्रॉक्सिमिटी विद एंसिलरी प्रोडक्ट्स। अब अगर हम ऑटोमोबाइल बना रहे हैं तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसे जगह पर सेटअप करें जिसके आसपास कार में लगने वाले सहयोगी उत्पाद, एंसिलरी प्रोडक्ट, जैसे टायर, ट्यूब्स, बैटरीज, ठीक है, कुछ सेफ्टी प्रोडक्ट्स होते हैं, गियर है, ठीक है, ये तमाम चीजें जहां आसपास अवेलेबल हो वहां पर ये इंडस्ट्री लोकेट की जाती है। तीसरे नंबर पर पोर्ट फैसिलिटीज। अगर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो ये इंडस्ट्री ऐसे जगह पर लगाई जाती है जहां पर पोर्ट की फैसिलिटी हो, लेकिन ये तीसरे नंबर का है। अगर पोर्ट फैसिलिटी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे इनकी जो प्रायोरिटी है, हायरार्की है, वो कम होती जाती है। चौथे नंबर पर फिर हम देखते हैं मार्केट। लेकिन आजकल ये जो चौथे नंबर का फैक्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते जा रहा है, यानी जो पहला, दूसरा, तीसरा है उसको भी दरकिनार करके सीधे आदमी वहां जाकर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगा रहा है जहां मार्केट। जैसे गुरुग्राम में बहुत सारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो लोकेटेड है, उसका पीछे सबसे बड़ा कारण है वो एक ह्यूज मार्केट, वहां से फरीदाबाद, NCR, गुड़गांव, दिल्ली, ये सारा एक बहुत बड़ा मार्केट वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो चौथे नंबर पे वैसे मार्केट, लेकिन अब ये लीडिंग नंबर पे आते जा रहा है। पांचवें नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये भी देखा जाता है कि सरकार की नीतियां कहां है, किस स्टेट में, किस जगह पर, कहां पर सेल्स पॉलिसीज हैं, कहां पर हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में छूट मिलेगा, कहां पर सरकार कुछ हमें इंसेंटिव्स देगी, तो ये तमाम चीजें जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज पांचवें नंबर पे। तो ये पांच इंपोर्टेंट फैक्टर्स को मिला जुला करके देखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि कहां ये इंडस्ट्री को सेट किया जा सकता है। देखते हैं भारत में क्या प्रॉब्लम्स हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। पहली बात, द एवर एक्सपेंडिंग चाइनीज मार्केट। पूरी दुनिया में चीन का मार्केट ऑटोमोबाइल सेक्टर में, दुनिया में सभी प्रकार की व्हीकल्स का लगभग चीन आज सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनते जा रहा है सभी ऑटोमोबाइल्स में। तो चीन का पूरी दुनिया में मार्केट फैल रहा है, इंडिया में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, और इंडियन मार्केट को इस चाइना के बढ़ते हुए मार्केट से एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर है, एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, ठीक है। दूसरे नंबर पर एनवायरमेंटल इशूज। एनवायरमेंटल इशू में यह है कि भैया आप जो डीजल और पेट्रोल वगैरह इसमें यूज करते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, फिर UNFCCC वगैरह रेगुलेटरी बॉडीज आ जाती हैं, तो ये तमाम पर्यावरणीय मुद्दे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए चिंता का विषय है। तीसरे नंबर पर रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। आजकल फटाफट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है हर एक चीज की, तो भी लोगों को थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा और वेट करके लें, और इस प्रॉब्लम में जो उसका सेल है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमोबाइल सेक्टर की, वो कम हो जाती है। चौथे नंबर पर हम देखते हैं स्लो डाउन फ्रॉम मार्च 2018। अभी हम लोग ये चैप्टर स्लो डाउन वाला थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे।
लेकिन मार्च 2018 के बाद भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी गिरावट देखी गई है, जिसके कारण न केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल में कमी आई है बल्कि एक्सपोर्ट में कमी आई है। भारत सरकार का जो रेवेन्यू जनरेट होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर से उसमें कमी आई है, जॉब लॉस हुए हैं। तो क्यों ये कमी आई है ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी इस प्रकार की जो कोई स्लो डाउन आता है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बन जाता है। चौथी बात, हाई जीएसटी स्लैब एट द रेट ऑफ 28%। भारत में अभी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल को छोड़ करके उसमें 28% जीएसटी लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर 5% जीएसटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के अलावा जो बाकी परंपरागत हैं जो डीजल पेट्रोल वगैरह चल रहे हैं उस पर 28% जो कि काफी ज्यादा है। छठवें नंबर पर कॉम्पिटिशन, भारत की जो कंपनियां हैं उसका विदेशी कंपनियों है, फोर्ड है, जनरल मोटर्स है, हुंडई है, ऐसे तमाम जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ भारत का एक कंपटीशन है। और भारत में बनने वाले कार भारत में तो उपयोग किए जाते हैं लेकिन वो एक्सपोर्ट के लायक बहुत ज़्यादा नहीं होते, या हम एक्सपोर्ट भी करते हैं तो अफ्रीका जैसे देशों में, विकसित देशों में एक्सपोर्ट हमारा कम है। तो हमें अपना जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ऑटोमोबाइल सेक्टर में लाना पड़ेगा, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कार और व्हीकल्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि उनकी जो है डेवलप्ड कंट्रीज में भी डिमांड बढ़ सके और हम इन ग्लोबल जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ कंपीट कर सके। सातवें नंबर पे लैक ऑफ स्किल्ड मैन फोर्स, तो भारत में कुशल कर्मचारियों की, कुशल मजदूरों की कमी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमें जो जिस कुशलता वाले लोग चाहिए। आठवें नंबर पे फ्यूल प्राइसेस, भारत में एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि भारत में दुनिया के देशों से तुलना किया जाए तो फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस चिंता के कारण भी लोग पर्सनल व्हीकल ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह में अब थोड़ी गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि कार खरीद लेना आसान है, उसको उसमें फ्यूल, उसको फ्यूलिंग करके फिर उसको बढ़िया ऑपरेट करते रहना ये थोड़ा दिक्कत का काम हो जाता है। नौवें नंबर पे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव माने भारत में एक व्हीकल यदि आप परचेज करने जाते हैं और फिर उसके बाद उसको रन करते हैं उसमें तमाम प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट रखना है, लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फ्री है कि नहीं है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, इंश्योरेंस है तो टू पार्टी है, थर्ड पार्टी है, कौन कौन से टाइप का। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें हैं इसके कारण भी लोग कहते हैं छोड़ो भैया ऑटो पकड़ो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थोड़े से कम करने पड़ेंगे, उनका डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ये तमाम चीजों को ठीक करनी पड़ेगी। हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज, दुर्घटनाएं हो रही है, ठीक है, सड़कें ठीक नहीं है, तो ये तमाम मुद्दे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रभावित करते हैं। तो एक कंप्रेहेंसिवली इन सारे कमियों को दूर करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो ग्रोथ है उसे हम अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में देखते हैं भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ठीक है, चलिए यहां पर चार बड़े महत्वपूर्ण कदम हमने लिखे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी हम कुछ महत्वपूर्ण कदम देखेंगे। पहला है फेम इंडिया स्कीम, फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पॉलिसी किस लिए लाई गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत भारत में तेजी से परंपरागत व्हीकल्स, परंपरागत माने जो कि डीजल और पेट्रोल से चलते हैं, उनकी जगह अब हाइब्रिड नेचर के ऑटोमोबाइल बनाए जाएंगे, व्हीकल्स बनाए जाएंगे। हाइब्रिड का मतलब वो तेल से भी चले, सीएनजी से चले, तेल से भी चले और इलेक्ट्रिक से भी चले। हाइब्रिड माने दो सिस्टम, जैसे कुछ गाड़ियां आजकल ऐसी आ गई हैं जो स्टार्ट तो पेट्रोल या डीजल से होती है लेकिन उसके बाद वो सीएनजी से चलने लगती है, तो ये हाइब्रिड मॉडल है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग को भी इंडिया में प्रमोट करना है, इसके लिए फेम इंडिया स्कीम लाई गई है। दूसरा है सामर्थ उद्योग, इसमें सामर्थ का फुल फॉर्म है स्मार्ट एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, ठीक है। अब इसका पर्पज क्या है, टू हेल्प इन क्रिएटिंग द इकोसिस्टम फॉर एडॉप्शन ऑफ इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ नंबर का, या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है इंडस्ट्री में जहां कहीं भी, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना, मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, रोबोटिक्स का उपयोग करना, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से ट्रैकिंग सिस्टम उसमें लाना, ये तमाम टेक्नोलॉजी को ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनबिल्ड करने के लिए समर्थ उद्योग
नामक स्कीम लाई गई है, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4th के जो मेजर कंपोनेंट हैं, मेजर टेक्नोलॉजी हैं, उनका उपयोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी किया जाएगा। ठीक, ये हो गई दो स्कीम। तीसरी, इलेक्ट्रिक एथेनॉल एंड मेथेनॉल रन व्हीकल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम परमिट। यानी भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक से चलने वाली व्हीकल, एथेनॉल से चलने वाली व्हीकल और मेथेनॉल से चलने वाली व्हीकल के लिए परमिट की जरूरत नहीं है। ऐसी इंडस्ट्री, इन 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 इस प्रकार की व्हीकल बनाने वाली इंडस्ट्री कहीं पर भी सेटअप किए जा सकते हैं। उनके लिए कम से कम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उनके लिए कम से कम GST है और भारत सरकार द्वारा अनेक प्रकार की सहायता जो है वो दी जा रही है। चौथे नंबर पर, नेशनल ई मोबिलिटी प्लान 2020। ये नेशनल ई मोबिलिटी प्लान भी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पॉपुलर बनाना, उसके मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाना, उसके लिए विभिन्न प्रकार की जो सब्सिडी है, विभिन्न प्रकार की जो सहायता है भारत सरकार द्वारा जनता को दे करके और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना और आने वाले दिनों में भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरी दुनिया में हब बनाना ही जो है इस नेशनल ई मोबिलिटी प्लान का उद्देश्य है। यहां तक हमने चार बड़े इनिशिएटिव्स भारत सरकार के देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इनिशिएटिव्स देखेंगे इसके, और इसके साथ में जो 2018 मार्च से भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगातार गिरावट आ रही है वो क्यों आ रही है, उसके पीछे क्या कारण है और उसमें भारत सरकार ने उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, इसी के साथ हमारा ये ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्रीज देखेंगे और फिर बड़े इंडस्ट्री में अब हमारे पास 2-3 इंडस्ट्री बच गए हैं जिनका हम लोग काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे और बाकी ऐसी फटाफट कर लेंगे। तो एक हमारा जो है केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और शुगर इंडस्ट्री हम लोग जो है भारत में डिटेल से देखेंगे, बाकी इंडस्ट्री फटाफट जो है हम लोग निपटा लेंगे। तो आई होप आने वाले 2-3 वीडियो में हमारा इंडस्ट्री का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू।